Almantasha Realty presents yet another masterpiece set in the heart of Mumbra that promises to elevate your lifestyle. Welcome to The Universe, a residential tower that offers more than just four walls. This project offers you your own space, your own universe wrapped in these spacious 1 and 2 BHK apartments that are meticulously designed and smartly planned. Find all modern specifications that are specifically curated for you here. Here you are offered your own space, your own universe. हाथ से वो दावत देती होर्डिंग पर रिक्शा चालक ने रखी अपनी बात, किसने पोती रीदा की तस्वीर पर काली। मैं रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। पोक्सो, पीटा और आईपीसी की अलग अलग धाराओं के तहत एक पीड़िता महिला द्वारा शिकायत दर्ज कराने के बावजूद भाजपा की नेत्री रीदा रशीद, उनका अर्शिया वेलफेयर फाउंडेशन, ये मुमरा मौलाना अबुल कलाम आजाद स्टेडियम में क्रिकेट का एक 2 दिवसीय टूर्नामेंट करा रहा था। इसी के होर्डिंग शहर में लगाए गए, एक होर्डिंग शंकर मंदिर परिसर में लगाया गया है, बिल्कुल डिवाइडर पर। किस तरीके से ये होर्डिंग लापरवाही और गैर जिम्मेदारी से लगाया गया है, इसमें रीदा रशीद के साथ साथ स्थानीय कई नेताओं की, नगर सेवकों की तस्वीरें भी है। अपनी होर्डिंग, तस्वीरों वाली होर्डिंग किस तरीके से लग रही है और ये कैसे दुर्घटनाओं को या हादसों को दावत देने वाली होर्डिंग साबित हो सकती है, उसका वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं। ये वीडियो रिक्शा यूनियन के चालकों और पदाधिकारियों ने बनाया है, साथ ही एक रिक्शा चालक और पदाधिकारी है सैयद अहमद, उन्होंने क्या बात कही है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। साथ ही आपको इसमें दिखाई देगा होर्डिंग में रीदा रशीद भाजपा की नेत्री, इनकी तस्वीर पर किसी ने काली पोती है। तो शहर में राजनीतिक उथल पुथल और राजनीति के चलते एक दूसरे के कपड़े फाड़ने का काम कितना जोरों शोरों पर चालू है, देखिए। अस्सलाम वालेकुम भाई, ये शंकर मंदिर पे बैनर लगा हुआ, किसी विरोधी पक्ष पार्टी का है या सत्ता पक्ष पार्टी का है ये तो पता नहीं, वो विरोध का है, विरोध प्रदर्शन किया हुआ है, लोगों को आज़ादी है विरोध प्रदर्शन करने की, कहीं पे भी करो, लेकिन किसी की जान से खिलवाड़ मत करो। यहाँ मुमरा में हमेशा लोगों को तकलीफ देने वाला ही काम होता है, कभी लोगों को राहत दिलाने वाला कोई काम किसी पार्टी ने नहीं किया। आज वो बैनर रास्ते में इतना आगे आ गया है कि जैसे बोला जाता है ना कि नज़र हटी और घटना घटी, तो वैसे कोई भी दुर्घटना हो सकती है। अगर कोई बाइक वाला आते हुए ज़रा सी नज़र चुकी, वो बैनर से टकराएगा, सर फट जाएगा, हो सकता है वो उसको कोई गहरा चोट लग जाए या कुछ और, खुदा ना खास्ता कुछ और मामला बिगड़ जाए। तो ये रास्ते में इतना लगा हुआ है, तो प्रशासन सो रहा है क्या? टीएमसी इनको कैसे परमिशन देती है और टीएमसी का विजिलेंस क्या करता है? जो रास्ते पे घूमते रहते हैं वो क्या खाली यही देखने के लिए घूमते कि फेरी वाला किधर है, भाजी वाला किधर है, यहाँ गैरेज किधर है, सर्विस सेंटर वाला क्या कर रहा है, यही सब देखने के लिए घूमते? ये नहीं दिखता कि लोगों की जान को नुकसान हो सकता है? तो मेरी विनंती है लोगों से कि भाई, ये मैंने वीडियो बनाया, मैं तमाम वीडियो चैनल न्यूज़ चैनल्स वालों को ये वीडियो भेज रहा हूँ और देखो ये किस तरह से ये अंधा कारोबार चल रहा है। ठीक, मुमरा प्रभाग समिति का अतिक्रमण विभाग जो बैनर्स को निकालता है वो हर 15 मिनट में चक्कर मार रहा है लगातार, उनको ये नज़र नहीं आता बैनर। इसी तरह बाईपास पे भी देखो, जब वहाँ से गाड़ियाँ आती है बाईपास से, तो वो वाई जंक्शन पे जब आती है तो वाई जंक्शन की तरफ शिलपाटे से आने वाले को वो गाड़ी नज़र नहीं आती, वहाँ जाली थी वहाँ पे भी बैनर लग गया, और वो बैनर के जो जाली थी, जाली में से आने वाली गाड़ी नज़र आती थी, सामने वाले क्रॉसिंग करने से पहले ड्राइवर होशियार हो जाता, सावध हो जाता था। अब वो बैनर से इतना बंद कर दिए कि एकदम कॉर्नर पर जाने का पता देखना पड़ता है गाड़ी रोक के, कोई गाड़ी तो नहीं आ रही। तो टीएमसी के अधिकारी क्या कर रहे हैं, क्या इनको पैसे मिल रहे सिर्फ कमाने के लिए आए, लोगों की जान से खिलवाड़ कर, इसके ऊपर ध्यान दिए। अरे ये क्या कर रहे हैं, चालू रखो वीडियो, चालू रखो। अभी यहाँ से साइड से मार।